अधिवक्ता संघ मनासा के अध्यक्ष के चुनाव में अधिवक्ता दीपक गहलोत व कोषाध्यक्ष पद पर दीपक तिवारी निर्वाचित घोषित हुए। दोनों विजयी उम्मीदवारों को अधिवक्ताओं ने पुष्पहार से भव्य स्वागत किया। अध्यक्ष पद हेतु तीन उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें दीपक गहलोत को 63 वोट, सुभाष तुगनावत को 49 वोट व ओम प्रकाश कुशवाहा को 20 मत मिले। दीपक गहलोत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तुगनावत को 14 मत से पराजित किया, एक मत निरस्त हुआ। अधिवक्ता संघ के 145 मतदाताओं में से 133 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कोषाध्यक्ष पद के मतदान में दीपक तिवारी को 70 मत व प्रकाश राठौर को 62 मत मिले, एक मत निरस्त हुआ। दीपक तिवारी ने प्रकाश राठौर को 8 मतों के अंतर से हराते हुए कोषाध्यक्ष पद पर कब्जा किया। अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष पद पर सुनील पवार, सचिव पद पर जितेंद्र गुलाटी व सह सचिव पद पर पवन बागवान व कार्यकारिणी सदस्य में राकेश गुर्जर पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए थे। निर्वाचन अधिकारी रमेश पाटीदार ने दोनों निर्वाचित पदाधिकारियों के निर्वाचन की विधिवत घोषणा की व शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी अधिवक्ताओं का आभार जताया। मनासा से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।